हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन शुक्ला जी यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अब तक अयोध्या का पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख लें, क्योंकि आपको मैं पूरा अयोध्या घुमाने वाला हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है जाकर पहला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर आप अयोध्या में आए हैं तो आपको पहले क्या करना चाहिए। विरोधी हेऊ बाटे देखा बीचे में साले सपक तीन झंडा लगाया, बाकी कुल भगवा और कमल ला रहा था। कहाँ कर बे, हर जगह ये होता ना एक परिवार में कि एक जने भाजपा में गया तो कहीं हम भाजपा ना, हम सपा में रहा। बीरामपुर के हस का महाराज असम वो छोटा ही लहना मटियारी से छोटा ही श्री राम जी का नाम और हनुमान जी का नाम पूरे वर्ल्ड के लोग लेते हैं और हर किसी के हृदय में प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ की जो पार्किंग है बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ये निशुल्क पार्किंग है, यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं हनुमान गढ़ी की तरफ। ये है हनुमान गढ़ी जाने का रास्ता और यहाँ के मकानों को पीले कलर से रंग दिया गया है, भगवा कलर से भी रंग दिया गया है। आपको रास्ते में पूरा भगवा मय दिखेगा जब आप श्री राम के हनुमान जी के दर्शन करने जाओगे। चलिए अब हम ले चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में आपको। ये है हनुमान जी का वो मंदिर, विशालकाय मंदिर, जहां पर हनुमान जी निवास करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाने से पहले प्रसाद लेकर जाना होता है और हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना मना नहीं किया गया है। तो यहां से हम चलते हैं, प्रसाद लेते हैं हनुमान जी के लिए। और हनुमान जी का जो प्रसाद, यहाँ पर जो भोग लगाया जाता है हनुमान जी को, सिर्फ लड्डू ही चढ़ाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान जी को मैं बर्फ़ी खिलाऊं, तो यहाँ पर हनुमान जी आपकी बर्फ़ी नहीं खाने वाले, यहाँ पर आपको सिर्फ लड्डू ही खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर आप बोर्ड में देख सकते हैं हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता यहाँ से होता है। और फाइनली अब हम हनुमानगढ़ी मंदिर आ चुके हैं और ये है रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता है मंदिर की तरफ, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर में अंदर जाने से पहले मैं आपको एक आवश्यक बातें बता देना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल पर्स चैन की गारंटी खुद लेना है। यहाँ पर पुलिस स्टाफ होता है लेकिन अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं है, और यहाँ पर कुछ भिखारी भी बैठे हुए हैं। तो जैसा कि वैष्णो देवी में लिखा है कि भिखारियों को भीख देकर उनका बढ़ावा ना करें, लेकिन यहाँ पर हमारे ठाकुर साहब दान करना चाहते हैं तो कुछ पैसे भिखारियों को दान कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं अपने फैमिली, अपने सब्सक्राइबर को हनुमान जी का दर्शन ज़रूर कराना चाहता था। तो बड़ी ही मुश्किल से इस भीड़ में खड़ा होकर हनुमान जी का जूम करके वीडियो बनाया। और अगर आपने यहाँ तक आकर मेरे चैनल को देखा है तो श्री राम के नाम पर, शुक्ला जी के नाम पर नहीं, श्री राम के नाम पर मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और श्री राम के नाम पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर में एक दरबार बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्तगण बैठकर हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं।
मंदिर में इतना लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है कि आपके पैरों में ये लड्डू का जो चिपचिपाहट होता है, लड्डू के जो रस होते हैं, पैरों में चिपकने लगते हैं। ₹80 का डालडे का और रिफाइन का ₹100। ये है दादा की दुकान। मंदिर से वापस आने के बाद हम उसी शॉप पे गए जहाँ से हमने लड्डू खरीदा था। वहाँ से जाके अपने शूज को पहना। शूज पहनने के बाद हम पार्किंग में जाएंगे। पार्किंग से जाने के बाद हम एक होटल में कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हमें दर्शन करते हुए करीब 1 घंटा हो चुके हैं और हम सुबह से बिना कुछ खाए पिए घर से निकले थे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मारवाड़ी भोजनालय है और यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए आए हैं। अगर यहाँ तक आकर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं किसी भी लड्डू वालों को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर आप हनुमानगढ़ी आए हैं तो कहीं से भी लड्डू और कहीं से भी किसी के भी होटल पे जाकर खाना खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।